नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नंदिनी, योगा नेचुरोपैथी फिजिशियन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल हील टू ब्लिस में स्वागत करती हूँ। पिछले हफ्ते हमने सीखा कि गर्भवती महिलाओं को डायबिटीज़ होने की चांसेस कितना ज़्यादा है, क्या क्या रिस्क फैक्टर है, और अगर डायबिटीज़ हो जाता है तो उसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ के नाम से भी हम जानते हैं। इस हफ्ते इस वीडियो के दौरान हम जानेंगे कि गर्भवती महिलाओं को डायबिटीज़ होने के लिए, अगर होता है या डायग्नोस करना है, ये डायग्नोस को कंफर्म करने के लिए क्या क्या टेस्ट हमें करना चाहिए। तो इसका तीन प्रोसीजर है। तो फर्स्ट टेस्ट है ओरल ग्लूकोज टैलेंस टेस्ट। ये इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दी वुमन किया जाता है। अगर कोई भी गर्भवती महिला जब वो फिफ्थ मंथ या 28 वीक्स तक पहुंचती है तो वो महिलाओं को हम ये टेस्ट कॉमनली करवाते हैं। उनको कोई भी रिस्क फैक्टर हो या कोई भी प्रॉब्लम हो या मधुमेह का कोई भी लक्षण दिखाई दे या ना दे, इरिस्पेक्टिव ऑफ नॉर्मल डायबिटी नॉर्मल प्रेगनेंसी हो, तब भी हम ये चीज़ करवाते हैं ताकि हम लोग रूल आउट पहले से कर दें कि कोई भी गर्भवती महिलाओं को डायबिटीज़ है कि नहीं। इसे ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट इसीलिए किया जाता है क्योंकि हम इनको ओरली ग्लूकोज पिलाते हैं। ये टेस्ट फास्टिंग मतलब खाली पेट में ही करना करके नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। इनमें से हम 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज सैंपल है उसे नॉर्मल पानी में पीने को कहते हैं। पीने के बाद 2 घंटे के बाद इनको ब्लड सैंपल लिया जाता है। अगर ब्लड सैंपल का जो वैल्यू है वो 140 से कम है तो इनको डायबिटीज़ नहीं है। अगर 140 से इनका सैंपल बढ़ता है, 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये वैल्यू से अगर इनका सैंपल बढ़ जाता है तो उनको ज़रूर डायबिटीज़ है। ये टेस्ट को हम वन स्टेप मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए वन स्टेप मेथड के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें कुछ ने एक बार ग्लूकोज पिलाते हैं और एक बार टेस्ट लिया जाता है, बार बार रिपीटेडली कोई और स्टेप को फॉलो नहीं करना होता। इसीलिए ये सिंपल टेक्निक है जिसमें फीमेल जो महिला आती है उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए करते हैं इसे। इसमें हम चेक करते हैं कि हम एक नया सा एक चैलेंज देते हैं बॉडी को और वो बॉडी कैसा है वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। ये इरेस्पेक्टिव हम किसी भी महिलाओं को कराते हैं ताकि उनका शुगर लेवल कितना है चेक करने के लिए। अगर इसमें से किसी भी महिला को वैल्यू हो जाता है तो इनको डायबिटीज़ डिटेक्ट किया जाता है, तो हमको सेकेंड टेस्ट के नाम से भी हम लोग फिर से करवाना होता है। तो ये बेसिक टेस्ट है। सेकेंड टेस्ट का नाम है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, GTT। ये टेस्ट में हम देखते हैं कि हमारा बॉडी कितना टॉलरेंस है, कितना टॉलरेट करता है। अगर हम ग्लूकोज देते हैं कोई भी गर्भवती महिला को तो कितना वो रिएक्शन कैसे देता है, क्या रिएक्ट करता है ये ग्लूकोज के लिए। इसमें हम ये टेस्ट हम बेसिकली खाली पेट में लेते हैं। रात को फास्टिंग रखना होता है, जैसे कि अगर सोचिए आपने रात को 8 बजे खाना खा लिया, सुबह खाली पेट में आके आपको सैंपल यूरिन सैंपल साथ ही साथ में ब्लड सैंपल देना है। फिर हम 75 mg का ग्लूकोज पिलाते हैं। पिलाने के 1 घंटे बाद सैंपल लिया जाता है और फिर वही ग्लूकोज पिला के जब 2 घंटे हो जाते हैं फिर से हम सैंपल लेते हैं। इसमें यूरिन एंड ब्लड दोनों का सैंपल लिया जाता है, मतलब आपको 3 सैंपल देना पड़ता है, 3 डिफरेंट टाइप में। एक फास्टिंग में, एक ग्लूकोज पिलाने के 1 घंटे बाद और ग्लूकोज पिलाने के 2 घंटे बाद। फिर इसका मेजरमेंट लिया जाता है। फास्टिंग में लेस देन 100 होना चाहिए। ग्लूकोज पिलाने के 1 घंटे बाद इसका वैल्यू लेस देन 185 होना चाहिए और ग्लूकोज पिला के 2 घंटे के बाद इसके वैल्यू लेस देन 150 mg/dL होना चाहिए। अगर ये वैल्यू कहीं पे भी बढ़ जाता है तो फिर आपको डायबिटीज़ का आप एक शिकार बन जाते हैं। इसमें 3 वैल्यू होता है। अगर उसमें से एक भी वैल्यू कोई भी जगह बढ़ जाता है तो इसे इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, मतलब आप अभी तक कम्प्लीटली डायबिटिक नहीं हैं बट आपको ज़रूर डायबिटिक हो सकता है, ये चांसेस बहुत हाई रेंज में है। इसीलिए फास्टिंग आफ्टर 1 आवर आफ्टर 2 आवर्स, ये तीनों में से
तीनों वैल्यू नॉर्मल होना चाहिए। किसी एक का वैल्यू भी बढ़ गया तो इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस होने की चांसेस है। अगर इसमें से कोई भी दो वैल्यू बढ़ा है तो इसका मतलब है आप डेफिनेटली गेस्टेशनल डायबिटीज़ के शिकार हो चुके हैं, मतलब एक गर्भवती महिला को डायबिटीज़ कन्फर्म हो चुका है। उसके अनुसार उनका डाइट प्लान भी होता है, साथ ही साथ में योगा प्रैक्टिसेस या बाकी चीज़ को स्टार्ट करना होता है। इनिशियली डाइट से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अगर डाइट से कंट्रोल नहीं होता है फिर मेडिसिन, मेटफॉर्मिन, इंसुलिन, जो भी ज़रूरत है उसके अनुसार इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। थर्ड टेस्ट है HbA1c। HbA1c हम में ब्लड टेस्ट करते हैं और ये एवरेज 3 मंथ का हमें ग्लूकोज लेवल कैसा है हमारे ब्लड में बता देता है। HbA1c में हम 3 मंथ्स का, जैसे कि सपोज अभी ये फेब्रुअरी मंथ है तो लास्ट 3 मंथ जनवरी, दिसंबर, नवंबर तक हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसा है ये बता देता है। ये क्योंकि हमारे जो ह्यूमोग्लोबिन में जो रेड ब्लड सेल्स है उसकी जो लाइफ स्पैन है वो 3 मंथ्स का होता है, तो उसके अनुसार लास्ट 3 मंथ्स तक हमारा HbA1c कंट्रोल है या नहीं है बता देता है। अभी ये जो HbA1c का जो वैल्यू होता है वो लेस देन 6.5 होना चाहिए। अगर 6.5 से ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों को 7-8 या बहुत इम्प्रॉपर या प्रॉपरली कंट्रोल नहीं करने की वजह से 12 भी होता है, वैसे कंडीशंस में क्या हो जाता है ये बहुत जल्दी से जल्दी ठीक करना ज़रूरी हो जाता है और कंट्रोल करके इसको ठीक करना भी अनिवार्य है। कभी कभी ऐसा होता है दोनों का वैल्यू, मतलब GTT ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट का वैल्यू नॉर्मल होने के बावजूद भी HbA1c में दिखा देता है कि ये पेशेंट डायबिटिक है या नहीं, इसीलिए ये दोनों टेस्ट को करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए अगर ये तीनों टेस्ट एक गर्भवती महिला के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, कारण क्या है कि अगर ये टेस्ट अगर हम टाइम पे नहीं करते हैं तो बच्चे के ब्रेन ग्रोथ या ऑर्गन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उसको यह प्रॉब्लम होता है, इम्पेयर्ड हो जाता है या कोई भी हैम्पर होता है। ये एक चीज़ ना हो, डायबिटीज़ को इनिशियल स्टेज में ही कंट्रोल करके दवाई से या डाइट से या योगा से कंट्रोल करके नॉर्मल लेवल में ला देने से वो बच्चे को हैम्पर नहीं करता है, बच्चे की ग्रोथ को हैम्पर नहीं करता है, इसीलिए इसको पहले ही ठीक करना ज़रूरी है। अपने प्रेगनेंसी पीरियड को सही सलामत रखें, कोई भी टेस्ट को स्किप मत कीजिए, दवाई का जो सेवन है वही सही मात्रा में कीजिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।